वक्त हिंदुस्तान खतरे में है, इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी जनता खतरे में है। इकोनॉमिक बाइकॉट करेंगे, करने मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकॉट, आपके देश का ही नुकसान है। एक सर ढकने को लेकर हिजाब के नाम पे हंगामा हो गया, खाने की चीज जैसी लेके कि हलाल बैंड होना चाहिए उसको लेके अब एक नई पॉलिसी आ रही है, मुर्दों के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये वो एक ही चट्टे बट्टे हैं और ये मुट्ठी भर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो गया, उसकी तो उन लोगों ने धज्जी उड़ा दी। जितनी भी इल और एविल डेविल शैतानी पॉलिसीज ये गवर्नमेंट लेके आ रही है उसके खिलाफ एहतजाज करने आज पूरे कर्नाटका में SDPI खड़ी हुई है। पूरे कर्नाटका में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI एक बहुत बड़े लेवल का एहतजाज या प्रोटेस्ट कर रही है, जो आपको तकरीबन पूरे स्टेट में देखने को मिलेगा। ये एहतजाज एट ए टाइम इतने बड़े लेवल पे पूरे स्टेट में करने का जो मकसद है, तो जाहिर सी बात है मकसद भी बहुत बड़ा है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट की कुछ एविल पॉलिसीज़, या बोलना चाहिए हमें जो इंसानियत के ख़िलाफ़ और देश और सोसाइटी के जो एक पीसफुल माहौल है उसके ख़िलाफ़ लेके आई जा रही हैं, न्यूज़ में तमाम हम देख रहे हैं, हर तरह के प्लेटफॉर्म से हमको खबरें मिल रही हैं। अभी प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा बड़े हो गए मीडिया के कि कोई भी ऐसी खबर नहीं है या गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो हिडन हो, सब हमारे सामने है। तो ये जो पॉलिसीज़ आ रही हैं ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है, या हिजाब को लेकर, हलाल बैन को लेकर, या ये कहना कि गीता को मैंडेटरी कर दिया जाए कि सूर्य नमस्कार हो या योगा हो, मतलब वो सारी चीज़ें जिनको एक कम्युनिटी नहीं मानती और एक कम्युनिटी कहती है कि वो मैंडेटरी हैं। तो मैं ही आपको बता दूं कि ऐसा हमें लग रहा है कि एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, ना, ये इस वक्त संविधान के ख़िलाफ़ है, लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, मुल्क की जो एक सेक्युलर फैब्रिक है उसके ख़िलाफ़ है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये जुल्म है, ये सरासर नाइंसाफी है। इसका असर मुल्क के हर तबके पे पड़ेगा, यहाँ तक कि वो लोग खुद जो इस आग को लगा रहे हैं इसमें उनके हाथ भी यकीनन जलेंगे, वो खुद भी जलने वाले हैं इसमें। लेकिन हमारा या हमारी पार्टी का जो एक स्टैंड है, जैसा कि कई सालों से तकरीबन हिंदुस्तान पूरा ही इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है कि अभी एट प्रेजेंट SDPI इज़ द ओनली पार्टी हु इज़ प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अपोजिशन, क्योंकि हमारा अपोजिशन जो है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन के टाइम पे तो लड़ने खड़ी हो जाती हैं, कंपटीशन के टाइम पे वो सामने आती हैं, ये ऐसी पार्टीज़ हो गई हैं जिन्होंने तकरीबन अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर लिया है। वो लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म है, ज़्यादती है, आप देखिए सिर्फ ये पॉलिसीज़ ही नहीं, इन पॉलिसीज़ का असर क्या हो रहा है कि लोकल लोग जो अच्छे ज़हनियत के लोग हैं हिंदुस्तान में रहने वाला, मैं तो हमेशा बोलती आई हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाली हर कम्युनिटी, मुस्लिम तो खैर हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल लोग होते हैं, हमारा इस्लाम हमें पीस सिखाता है, हिंदूज़ बेहतरीन हैं इस मुल्क के, सिख बेहतरीन हैं, ईसाई बेहतरीन हैं, बुद्धिस्ट बेहतरीन हैं। हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी एक मुट्ठी लोग हैं जो कि शायद पेड क्रिमिनल्स हैं और वो आके पावर में बैठे हुए हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि पावर में बने रहने के लिए हम कुछ भी करेंगे। शायद हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बोम्बई साहब, उनको लगता है कि एक बार गुजरात में ऐसा हुआ कि गुजरात कांड के बाद जो है प्रमोशन मिल गया और CM से कोई PM बन गया, तो ये बार बार नहीं होगा, ये शायद एक बार गलती से हुआ होगा, ऐसा बार बार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इन सारी एविल और इल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, हम कतई किसी तरह की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात इसी तरीके से रोड के किनारे खड़े होकर लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमारा जो काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम करते रहेंगे। हमारा इसमें देखिए कुछ भी पर्सनल कोई भी बेनिफिट नहीं है, हम आज भी यहाँ खड़े हैं तो शायद हम अपने मुल्क के मुआशरे, यहाँ पे रहने वाला हर सिटीज़न, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं फिर दोहरा रही हूँ, हम उसके लिए खड़े हुए हैं, हम नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें जहाँ गलत लगता है हम मुंह खोलते हैं। और ये फ़र्ज बनता है आज के वक्त में जब माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एक सर ढकने को लेकर हिजाब के नाम पे हंगामा हो गया, खाने की चीज़ जैसी लेके कि हलाल बैंड होना चाहिए उसको लेके अब एक नई पॉलिसी आ रही है, कभी आप बोलते हैं कि एजुकेशन में ये चेंजेस आने चाहिए, आपने कह दिया कि टीपू सुल्तान का नाम किताबों से निकाल दिया जाए, एक मरे हुए शख्स से भी इतना डर है आपको,
जिंदा से डरना तो समझ में आता है, आप लोग मुर्दों से भी इतना डर रखते हैं, इतने कमजोर इतने डरपोक हैं आप लोग कि आप मुर्दों के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये पूरा बैकअप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, ये वो एक ही चट्टे बट्टे हैं और ये मुट्ठी भर हैं। मैं अपने लोगों से, इस मुआशरे में, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर कम्युनिटी से ये इल्तिजा करती हूँ कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, गॉड के वास्ते निकलिए, अपने हक को पहचानिए, अवेयरनेस लाइए, ये चीज़ों को बंद कीजिए, वरना अभी तक हमारे कपड़ों पे और हमारे प्लेट में तो ये आ गए हैं, खाने तक भी पहुंच गए, हमारे मुंह के अंदर घुस के ये हमारा निवाला भी गिन रहे हैं। अब कोई बात नहीं कि दरवाजे तोड़ के ये हमारे घरों में घुस जाए, यानी जान, इज्जत, खाना पीना और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो ये एक और इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है कि ये इकोनॉमिक बाइकॉट करेंगे, करने मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकॉट, आपके देश का ही नुकसान है। ऑलरेडी 2014 से जीडीपी कहां पहुंच गई है, ऑलरेडी 2014 से पूरी दुनिया में तो हम शर्मसार कर दिए गए हैं, दुनिया के गरीब से गरीब, बदतर से बदतर मुल्क हमको शेम शेम करते हैं, ये वो गवर्नमेंट है, ये है इनका रिजल्ट, ये लेकर आए हैं ये, तो इनको पावर में बने रहना है। अब ये पावर में बने रहने के लिए कोई भी तरीका अपनाएंगे और उस तरीके से नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी का होगा। उस आम आदमी का देखिए कोई नाम नहीं होता, उस आम आदमी का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि जो सुबह अपनी रोजी कमाने निकलता है, रोटी कमाने निकलता है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपना पेट और अपना घर पालने के लिए, उसका कोई मजहब नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इस वक्त हिंदुस्तान खतरे में है, इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी जनता खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो गया, उसकी तो उन लोगों ने धज्जी उड़ा दी, ईडी क्या और हमारी कोर्ट क्या और हमारी पुलिस क्या, सब इन्होंने जेब में ठूस के रख लिए। तो अभी हमको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्यों, मुल्क हमसे है, हम हैं इस मुल्क के देशवासी। ये चंद मुट्ठी भर खरीदे हुए क्रिमिनल्स, पेड क्रिमिनल्स हैं ये, जो हेट्रेड फैलाते हैं, डिवीजन करते हैं, कम्युनल जिसे कहते हैं कि माहौल पैदा करते हैं, बंटवारा करते हैं, ये तो हमें और आपको सोचना है कि हमें बंटना है या नहीं बंटना है। ये काम करते रहेंगे, अब हमारे सोचने का वक्त आ गया। तो बहरहाल जितनी भी इल और एविल, डेविल, शैतानी पॉलिसीज ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसके खिलाफ एहतजाज करने आज पूरे कर्नाटका में एसजीपीआई खड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ एसजीपीआई को अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि हर बार हर गलत चीज़ के लिए, हर नाइंसाफी के लिए एसजीपीआई जो है अपना रोल प्ले कर रही है बड़ी ईमानदारी के साथ। इस वक्त हम ही हैं जो एक अच्छी अपोजिशन, एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर खड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बात को लोगों तक, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि क्या आखिर प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम लोगों को मालूम है, सॉल्यूशन एक ही है, हम सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, हमको पता चल गया कि जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो पॉलिसीज आ रही है गलत है, तो बस ख़त्म हो गई बात, हमें अपनी अपनी जगह सबको उसे कंडम कर देना। हिजाब से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक हिजाब से निकला हुआ इश्यूज़ है और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये है इनके जो हिडन एजेंडाज हैं आरएसएस और संघ परिवार के, इनके जो हिडन एजेंडे हैं, एक होने के बाद दूसरा ये सिस्टमेटिकली ये लोग बाहर निकालते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही है कि आने वाले जो एमएलए इलेक्शंस हैं 2023 में, इसका किस तरह से फ़ायदा उठाए, ये इनकी एक साजिश है। रिसेंटली जो पांच स्टेट में जो असेंबली इलेक्शंस के जो नतीजे आए हैं, इनको एक सक्सेस का फार्मूला मिल चुका है कि लोगों में हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, कम्युनल डिवीज़न लिया जाए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूपी में इनको सामने दिखा है, क्योंकि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके कुछ अचीवमेंट्स नहीं है दिखाने के लिए पब्लिक के पास जाने में, और आने वाले 2023 में इनके पास कुछ भी ग्राउंड फैक्ट्स नहीं है इनके पास अपने जो गवर्नेंस को लेकर बताने के। इसीलिए अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए हिजाब इश्यूज़ को, हिजाब के इशू को इन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो जातरे होते हैं, जातरे में मुस्लिम जो छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, जो बंडी लगाकर बेचते हैं, उनको बॉयकॉट करने का काम स्टार्ट किए। उसके बाद हलाल मीट का स्टार्ट किए, अब उसके बाद हलाल प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट स्टार्ट किए, अब आज नए व्हाट्सएप में क्या है कि टोटली मुस्लिम जो बिजनेस है, जैसा कपड़े की दुकान है, ग्रोसरीज है, स्टेशनरीज है, या जो भी मुस्लिम बिजनेस है, उनको पूरी तरह से बायकॉट किया जाए बोलकर वो एक व्हाट्सएप में इनका चल रहा है। इसका मकसद यही है कि आने वाले 2023 में इनके पास कुछ नहीं दिखाने के लिए, काम इनका रिपोर्ट कार्ड जीरो है,
इसीलिए वो सब अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मानती है। अफसोस की बात यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वाले मिलकर ये काम कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जो पुलिस कमिश्नर्स होते हैं, ये लोग भी नाकामयाब हुए हैं ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई करने में। मंगलोर के एसपी साहब कहते हैं कि हमारे को कोई भी कंप्लेंट नहीं दिया, अगर कंप्लेंट दिए तो हम ऐसे लोग जो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिवाइड सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, मुसलमानों के दुकानों को बाइकआउट करो बोल के, मुसलमानों के हलाल प्रोडक्ट को बाइकआउट करो बोल के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये खुला उल्लंघन है आईपीसी सेक्शंस का। पुलिस सो मोटे लेकर इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहती है, हमारे को कोई भी कंप्लेंट नहीं दिए। क्या आपको कंप्लेंट देना ज़रूरी है क्या? पुलिस के मैनुअल में सो मोटे नाम की भी चीज़ होती है, डिप्टी कमिश्नर को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार भी सो मोटे केस लेकर एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत कर्नाटक को नेक्स्ट यूपी बनाने की जो साजिश संघ परिवार की है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और यहाँ के जो सेकुलर जो मानने वाले लोग हैं, हम इसको डिफीट करेंगे। मेरी गुजारिश यहाँ के जो मेजॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है, आपसे यही दरख्वास्त है कि आपकी जो खामोशी है इनको बढ़ावा दे रही है, आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो नज़रअंदाजी है, ये जो कुछ 10-12-15 लोग क्या आलम शहर में गलियों में घूमकर क्या आलम पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, अगर आप जो मेजॉरिटी जो लोग हैं सेकुलर ताकतें जो हैं, अगर आप इनका अगर विरोध करेंगे तो ये भाग के चले जाएंगे, ये खामोश हो जाएंगे, लेकिन आपकी खामोशी इनको बढ़ावा दे रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मेजॉरिटी जो सेकुलर तबका है, जो डेमोक्रेसी पे विश्वास रखता है, अब आपका वक्त आया है कि आपको भी इनके खिलाफ स्टैंड लेना है और सेक्युलर जो शब्द है डेमोक्रेसी में उसके बारे में क्या लूँ उसको तकवीत देना है।